जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 199 सैंपल लिए गए, जिसमें से 16 लोग पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने बताया कि बोरिस के गांव ढोह के 35 वर्षीय व्यक्ति, मुनकर के 32 वर्षीय व्यक्ति, दड़ूही की 52 वर्षीय महिला, पटलांदर क्षेत्र के गांव छैल के 38 वर्षीय व्यक्ति, समीरपुर क्षेत्र के गांव संग्रोह के 56 वर्षीय व्यक्ति, हमीरपुर की 57 वर्षीय महिला, टौनी देवी क्षेत्र के गांव बराड़ा की 29 वर्षीय महिला और 60 वर्षीय व्यक्ति, कलूर के 22 वर्षीय युवक, बड़सर के रोपड़ी क्षेत्र के गांव बल के 39 वर्षीय व्यक्ति, बुमलू क्षेत्र के गांव हार के 30 वर्षीय व्यक्ति, हरसौर क्षेत्र गांव बलट के एक व्यक्ति और बड़सर क्षेत्र के गांव लफरान के 47 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में 80 वर्षीय बुजुर्ग, 72 वर्षीय महिला और 62 वर्षीय व्यक्ति भी संक्रमित पाए गए। जिला में आरटीपीसीआर टेस्ट में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए लोगों में बड़सर उपमंडल के गांव रमेहड़ा की 60, 50 और 48 वर्षीय तीन महिलाएं हैं, 62 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक शामिल है। गांव बिजड़ी के तीन लोग 68 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक, 35 वर्षीय व्यक्ति और 34 वर्षीय महिला, गांव घनसुई के तीन लोग 45 वर्षीय महिला, 52 वर्षीय व्यक्ति और 43 वर्षीय महिला, बोटा का 16 वर्षीय लड़का, 40 वर्षीय महिला भी संक्रमित पाई गई। गांव पट्टा नथु के 24 वर्षीय युवक, चुंचबी की 48 वर्षीय महिला, जनियारी क्षेत्र के गांव गिरथेड़ी ब्राह्मणा के 14 वर्षीय लड़के और मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में 52 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।